दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूएस तमर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे क्लास का छठा दिन है। पिछले 5 दिनों से हम लगातार आपकी हेल्प में लगे हुए हैं और आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हम अवेलेबल करवा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना हमको अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं स्टडी की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। वो जानकारी हमारे लिए बहुत अच्छी है और ये आप लोगों के हमारी मेहनत का ही परिणाम है। ये आईसीआर की जो एग्ज़ाम डेट है, जो फॉर्म डेट थी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है, उसको चेंज कर दिया है। आज 31 तारीख है और आज तक लास्ट डेट थी, इसको बढ़ा करके 30 अप्रैल तक के लिए इसको आगे कर दिया गया है कि वे विद्यार्थी जो रह गए हो, फॉर्म भरने से वंचित रह गए हों, तो वो भी फॉर्म लगा सकते हैं और 30 अप्रैल तक अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये करंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, जो हमने दी है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी रह गए हों वो अपना फॉर्म डाल दें, जरूर से जरूर आईसीआर का फॉर्म समय रहते ही भर दें। चलिए, कल हमने चर्चा की थी एग्रीकल्चर के ही टॉपिक के बारे में, आज नेक्स्ट हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम उठा रहे हैं मौसम और जलवायु से संबंधित चैप्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। मौसम एवं जलवायु हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगला देखिए, खेती हमारे देश में बहुत पहले से की जाती आ रही है, इसलिए एग्रीकल्चर कंट्री है ये और कृषि प्रधान देश इसको कहा जाता है। लेकिन भारतीय जो कृषि है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौसम पर आश्रित है, मौसम पर डिपेंड है। क्योंकि अगर मौसम पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे तो हमको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, भारत में जो खेती बोई जाती है उस खेती की जो बुआई होती है, उस बुआई में सबसे पहले ही ध्यान में रखा जाता है कि हमारा मौसम कैसा है और बारिश होने की कितनी संभावना है, और वर्षा के आधार पर ही खेती हम लोग करते हैं। इसीलिए भारतीय जो कृषि है, भारतीय कृषि जो है उसको मानसून का जुआ कहते हैं। वो कैसे कि जब मानसून आता है तभी हम लोग खेत में फसल को बोते हैं और तभी हम हमारी फसल की बुआई करते हैं। अब मानसून के अनुसार ही हमारी फसल की हम बुआई करेंगे तो उसमें देखने वाली बात यह रहती है, अगर मानसून हमारे फेवर में है तो हम फसल की बुआई कर देंगे, और मानसून हमारे फेवर में नहीं है तो हम हमारी फसल की बुआई आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमें खरीफ के अंदर फसल बोनी है तो खरीफ की ऋतु में फसल बोएंगे तो बोने का समय जो रहता है वो 15 जून से स्टार्ट हो जाता है कि 15 जून से मानसून का आगमन हो जाएगा और 15 जून से हम हमारी फसल को खेत में बोना शुरू कर देंगे। बाय द वे, अगर मानसून 15 जून तक नहीं आता है, 15 जून के बाद आता है, तो उस स्थिति में हम हमारी फसल की बुआई को आगे बढ़ाएंगे। जब तक मानसून नहीं आएगा, बारिश का मौसम नहीं होगा, तब तक हम हमारी फसल की बुआई हम नहीं कर सकते। वैसे ही मान लीजिए हमें रबी की फसल बोनी है, रबी की फसल बोएंगे तो रबी की फसल को बोने का समय रहता है अक्टूबर से। अक्टूबर से हम हमारी फसल को बोना शुरू करते हैं। अगर मानसून अक्टूबर में भी तेज रहता है, धूप तेज पड़ रही है, तापमान कम नहीं हो रहा, तो हम हमारी बुआई की जो डेट है उसको आगे बढ़ाएंगे,
उस समय को हम आगे लेके जाएंगे। तो वो जो समय है वो अक्टूबर से मिड अक्टूबर तक, लास्ट अक्टूबर तक भी चला जाता है। जायद की फसल है, तो जायद की फसल को हम फरवरी में बोते हैं, फरवरी मार्च में। अगर फरवरी मार्च में उपयुक्त तापमान नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हमको अप्रैल में बुआई करनी पड़ती है। तो ये कुछ मौसम से संबंधित तथ्य थे जो आपको हमने समझाए हैं। तो कुल मिला के बात एक ही जगह पे आती है कि मौसम के अनुसार ही हम लोग हमारी खेती का निर्धारण करते हैं, मौसम के आधार पर ही हम हमारी फसल का चयन करते हैं। अगर बारिश कम है, बारिश होने की संभावना कम है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे खेत में ऐसी फसल बोएंगे जो कम पानी की मांग रखती हो, अर्थात जिसको कम पानी की आवश्यकता हो। अगर मानसून तेज है और बारिश होने की संभावना ज्यादा है तो हम ऐसी फसल रिकमेंडेड करेंगे, ऐसी फसल बोना चाहेंगे जिसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा हो। कई क्षेत्र हमारे ऐसे राजस्थान के जहाँ पानी बहुत कम है, तो उसी स्थिति में वहाँ ऐसी फसल बोई जाती है जो कम पानी में पैदा होती हो। जैसे पश्चिम राजस्थान है, आपको कल समझाया था, पश्चिम राजस्थान में पानी की मात्रा बहुत कम है, 100 mm से 150 mm, 200 mm के आसपास है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम वहाँ ऐसी फसल बोएंगे जो कम पानी चाहे, जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, जैसे बाजरा, ज्वार, ये ऐसी फसलें हैं जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है। वहीं देखा जाए कि अगर पानी की हमारे पास कोई कमी नहीं है, पानी खूब है, तो हम फिर फसल का चुनाव भी उसी प्रकार से करेंगे। हम फसल भी वही लेंगे जो फसल पानी की ज्यादा मांग रखती हो। तो हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं कि मौसम जो है वो क्या है और इस पे हमारी कृषि किस प्रकार से निर्भर है। चलिए, मौसम को अंग्रेजी में कहा जाता है वेदर। वेदर यानी मौसम। देखिए, मौसम हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में, जिसे एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर विद्यमान, पृथ्वी के ऊपर विद्यमान गैसों का समूह या वायु का समूह या वायु की मात्रा ही वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वायु मौजूद है, जितनी भी वायु हम देखते हैं, वो सब वायुमंडल के तहत आती है, वायुमंडल के अंतर्गत आती है, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो एटमॉस्फेयर में मुख्य तौर से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं। इसके अंदर आता है सबसे पहले एटमॉस्फेयर, या वायुमंडल, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। ये एटमॉस्फेयर मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहो तो इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो। वायुमंडल में सबसे पहले आता है कि वायुमंडल कहते किसे हैं। देखो, वायुमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वायु प्लस दूसरा है मंडल, अर्थात वायु का मंडल, वायु का एक वायु की मात्रा। पृथ्वी के ऊपर या धरती के ऊपर या पृथ्वी में वायु की जो मात्रा है वो ही क्या कहलाएगी, वायुमंडल कहलाएगी। अब वो मात्रा अलग अलग होती है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं वापस से। हम क्या हमारा टॉपिक क्या है, मौसम और जलवायु, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले मौसम के बारे में,
तो मौसम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के अंतर्गत वायुमंडल की। वायुमंडल जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वायु और मंडल से, अर्थात धरती के ऊपर पाया जाने वाला गैसीय आवरण। धरती के ऊपर पाया जाने वाला गैसीय आवरण या वायु का आवरण ही क्या कहलाएगा? वायुमंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायुमंडल कहलाएगा। अब कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहली बात आती है वो ये है कि हमारे पृथ्वी पे सबसे पहले बात करेंगे हम नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 78%। कितनी पाई जाती है? 78%। अब बात करेंगे हम ऑक्सीजन की, कि हमारी पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, और वो है 21%। क्लियर। फिर बात करेंगे हम CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो वो है 0.03%। क्लियर। ये तीन गैसें मुख्य हैं। गैसें तो और भी हैं, गैस तो और भी पाई जाती है, बाकी ये तीन जो गैसें हैं ये तीन गैसें विशेष हैं। तीन गैसें क्या हैं? मुख्य हैं। तो इन तीन गैसों के बारे में समझो आप। नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है हमारे वायुमंडल में? 78%। क्लियर। कितनी मात्रा है? 78%। ऑक्सीजन की हमारे वायुमंडल में कितनी मात्रा है? 21%। कितनी मात्रा है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे वायुमंडल में कितनी मात्रा है? 0.03%। क्लियर। जिन्होंने नहीं उतारा है वो उतार सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आपके साथ। तो ये जो वायुमंडल है इसमें हमने गैसों की मात्रा देख ली, गैसों का अनुपात देख लिया कि किस गैस की कितनी मात्रा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये गैसों का अनुपात हो गया। नेक्स्ट हमारा जो इसी में ही है, अगली जो हेडिंग है वो है अब देखिए जो वेदर है इसके हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं मौसम की परिभाषा के बारे में। ठीक। तो मौसम जो है उसको हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। ठीक। मौसम जो है सॉरी एटमॉस्फेयर से ही बना जाता है, मौसम है एटमॉस्फेयर से ही मौसम बनता है, वायुमंडल से ही मौसम बनता है। अब इसी का दूसरा टॉपिक है, इसी में दूसरा अलग चैप्टर है, वो है हमारा पहला एटमॉस्फेयर हो गया, दूसरा है मौसम विज्ञान, दूसरा क्या है? मौसम विज्ञान। इसी में दूसरी हेडिंग क्या है? मौसम विज्ञान। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? मेट्रोलॉजी। ठीक। ये मौसम विज्ञान, सबसे पहले आप इसको समझिए मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान है क्या चीज? मौसम विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, किस किस से? मेट्रो और लॉजी से। किस किस से? मौसम विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मेटेरो प्लस LOG लॉजी। ठीक है। तो अब आगे इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है मेट्रोलॉजी से। यह शब्द किस भाषा का शब्द है? यह शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। मेट्रोलॉजी किस भाषा का शब्द है? मेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि मेट्रो प्लस लॉजी से मिलकर बना है। अब इसकी हम
परिभाषा देखते हैं कि अच्छा मेट्रोपोलिटन मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ को पढ़ लेते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊपर की ओर। जिसका अर्थ क्या है ऊपर की ओर, इसको आप एक बार समझ लीजिए। यहां तक जो पढ़ाया है उसको वेदर में सबसे पहले हमने पढ़ा वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल में गैसों का अनुपात हमने देख लिया। फिर बात करते हैं मेट्रोलॉजी की। मेट्रोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटेरो प्लस लॉजी, जिसका अर्थ है ऊपर की ओर। क्लियर? मेट्रोलॉजी है ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की ओर। चलिए परिभाषा पर चलते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए मेट्रोलॉजी जो है इसकी परिभाषा सुनिए आप, मौसम विज्ञान परिभाषा। हमारी जो पृथ्वी है उस पे उपलब्ध जो गैसीय आवरण है, पृथ्वी पे जो उपलब्ध गैसीय आवरण है उसमें या किसी विशेष स्थान पर और निश्चित समय पर किसी विशेष या निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय पर होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। देखिए इसको एक बार हम नोटिस करेंगे दोबारा से, आप समझिए। इस परिभाषा में मेन चीज क्या है? वो है किसी निश्चित स्थान किसी निश्चित स्थान पर वह निश्चित स्थान पर वह निश्चित समय पर निश्चित समय पर वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन जो कि कम समय के लिए होता है या कुछ समय के लिए होता है या तात्क्षणिक होता है, क्विकली चेंज, तो वो क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है, मौसम विज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में हम देखें डेफिनेशन तो वो है सडनली चेंज। मौसम विज्ञान जो है इसका मतलब ये होता है सडनली चेंज, अचानक से परिवर्तन। फिक्स प्लेस एंड फिक्स टाइम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, निश्चित समय और निश्चित स्थान पर कम समय के लिए होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। अब हमने इसकी परिभाषा देखी है, अब हम इसके कुछ तत्व भी देखेंगे कि मेट्रोलॉजी के और कौन-कौन से तत्व हैं तो उनके बारे में समझाएंगे। तो एक बार वापस से हम इसको रिवाइज कर देते हैं कि मेट्रोलॉजी अर्थात किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में होने वाला अचानक से परिवर्तन जो कि कम समय के लिए होता है वही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। और जिसकी स्टडी मौसम विज्ञान कहलाती है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम। उसी जो मैं आपको बात बताई है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मेट्रोलॉजी कहलाएगा। इसमें ये चीज होती है कि निश्चित स्थान पर कम समय और परिवर्तन जो होता है वो कम समय के लिए होता है, अल्पकालिक होता है, जैसे कुछ दिन सप्ताह अथवा महीने, कुछ दिन सप्ताह और महीने जो है वो इसमें आते हैं मौसम के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी अगर यही स्टडी अगर हम एग्रीकल्चर के लिए करेंगे
तो उसे क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, ठीक है, या कृषि मौसम विज्ञान। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है, इसकी आप परिभाषा सुनिए, गैसों में या पृथ्वी पर या वायुमंडल में होने वाला अचानक से परिवर्तन जो कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय के लिए होता हो, और वो परिवर्तन जो होता है उसका संबंध फसल उत्पादन से होता हो, या उसका संबंध फसल उत्पादन के लिए किया जाता हो, उसकी स्टडी फसल उत्पादन के लिए की जाती हो, तो वही कहलाएगी हमारी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। जो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं, मौसम में जो जितने प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, अगर उन परिवर्तनों को हम एग्रीकल्चर के लिए देख रहे हैं, उनका अध्ययन हम कृषि के लिए कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगी हमारी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहलाएगी। क्लियर? एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर प्लस मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर प्लस मेट्रोलॉजी, अर्थात मेट्रोलॉजी का अध्ययन हम किसके लिए कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं। मेट्रोलॉजी अर्थात मौसम विज्ञान का अध्ययन हम किसके लिए कर रहे हैं, कृषि के लिए कर रहे हैं, कृषि अर्थात फसल उत्पादन के लिए और पशुपालन के लिए। तो किसी निश्चित स्थान और निश्चित समय के लिए होने वाला परिवर्तन जो कि फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, पशुपालन के लिए किया जाता है, या परिवर्तन जिसका अध्ययन, परिवर्तन जिसका अध्ययन फसल उत्पादन के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहेंगे। अब एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के हम क्यों स्टडी करेंगे, क्यों इसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेट्रोलॉजी पर डिपेंड है, कृषि पर निर्भर है। और जो इसका संस्थान है मेट्रोलॉजी का इंडियन लेवल का, वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। मौसम विज्ञान जो संस्थान है भारतीय स्तर का नेशनल लेवल का, वो कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए जितने केवी के हैं कृषि विज्ञान केंद्र, उन सभी में मेट्रोलॉजी की लैब डाल रखी है, मेट्रोलॉजी की मौसम विज्ञान की इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, ताकि किसी विशेष जलवायु खंड, विशेष जगह की जो जलवायु है, वहाँ का जो मौसम है, उसके बारे में जानकारी मिलती रहे, और वहाँ के किसानों को उसके लिए आगाह करते रहना चाहिए, आगाह उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आपका मौसम कैसे रहने वाला है, आपको बुआई कितने समय के लिए करनी है, आपको कौन सी फसल बोनी है, वो सारी जानकारी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से ही मिलती है, वो सारी सूचना है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से मिलती है। तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अर्थात मौसम विज्ञान, जिसकी परिभाषा वो बता दी है, मौसम के जितने भी संबंधित घटना है, जितना भी घटनाओं का सार, अगर वो कृषि के लिए हम कर रहे हैं, उसकी स्टडी हम कृषि के लिए कर रहे हैं, खेती के लिए कर रहे हैं, पशुपालन के लिए कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, तो उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ वापस से। वेदर हम पढ़ रहे हैं, मौसम और जलवायु। सबसे पहले बात करेंगे वेदर की, अर्थात मौसम की। मौसम के बारे में आपको बताया कि हमारे चारों तरफ जो गैसीय आवरण है वो ही मौसम है, उसमें जो बदलाव होते हैं, वर्षा, सर्दी, गर्मी, ये सब मौसम के ही अलग अलग पहलू है, मौसम के अलग अलग घटनाक्रम है। सबसे पहले बात करेंगे हम वायुमंडल की। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की वायु विद्यमान है, विभिन्न प्रकार की गैसों जो है, गैस पाई जाती है, गैसें, उनमें मुख्य तौर से हमने गैसों के बारे में बात की जो कि जिनका वॉल्यूम के आधार पर हमने स्टडी की, मात्रा के आधार पर हमने स्टडी की। तो सबसे पहले हमने बात की N2 की, जिसकी मात्रा 78% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। उसके बाद बात की हमने ऑक्सीजन की, उसकी मात्रा 21% है। उसके बाद हमने बात की ऑक्सीजन की, बात कर ली हमने, उसके बाद CO2 की बात की, तो उसकी मात्रा 0.03% है। तो गैसों की हमने बात कर ली है, इन गैसों में बदलाव होता है और इसी से ही वायुमंडल बनता है, उसी में फिर सर्दी आती है, उसी में फिर बरसात आती है, उसी में फिर गर्मी का मौसम होता है।
उसके बाद हमने बात की मौसम विज्ञान की, मेट्रोलॉजी की। मेट्रोलॉजी दो शब्द से मतलब बना है, मेट्र मेट्रो प्लस लॉजी, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊपर की ओर या ऊपर की तरफ चलना, ठीक है, ऊपर की वस्तु या ऊपर की ओर। मेट्रोलॉजी किस भाषा का शब्द है? मेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। उसी में हमने बात की एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की, उसी में हमने बात की एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की। तो सबसे पहले जब मेट्रोलॉजी की हमने बात की तो इसकी हमने परिभाषा पढ़ी। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा है किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में होने वाला अचानक परिवर्तन जो कि कुछ समय के लिए होता हो, होने वाला अचानक से परिवर्तन जो कि कुछ समय के लिए हो, तात्क्षणिक हो, क्विकली चेंज हो, और वो परिवर्तन कुछ दिन, सप्ताह अथवा महीने के लिए रहता हो, उसे हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। फिर हमने बात की एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की। अगर मौसमी संबंधी घटनाओं के सार का अध्ययन, मौसमी संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी बदलाव, जितने भी चेंजेस हैं, उनका अध्ययन हम कृषि के लिए कर रहे हैं, पशुपालन के लिए कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया मेरे हिसाब से आप सभी के? तो चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और आपको उसके बारे में बताना हम चाहेंगे। फिर अगला हमारा टॉपिक चलेगा जलवायु, ठीक है, जलवायु बारे में पढ़ते हैं। जलवायु के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। आज एक विद्यार्थी ने कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न पूछा था कि सर, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, आपके हिसाब से जिन शब्दों के अंत में लॉगस या लॉजी लगा होता है वो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द है, लेकिन हमारे 12th की बुक में एग्रोनॉमी को लैटिन भाषा का बताया गया है। तो आप सभी को हम जानकारी देंगे और आपको बताना चाहेंगे इस चीज के लिए कि बेटे वो गलत है, वो मिस प्रिंटिंग है, वो गलती से टाइप हो गया। वो एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का ही शब्द है और आपको ग्रीक भाषा ही याद रखना है। जिस बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा उस बच्चे का मैं आपको नाम बताऊंगा नहीं, हालांकि बच्चा पढ़ाई में होशियार है, लेकिन आप लगा सकते हो अंदाजा कि जो कंसेप्ट 12th में क्लियर होना चाहिए वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जो कंसेप्ट 12वीं में ही क्लियर होना चाहिए वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये साफ और स्पष्ट बताता है कि आपके पास एग्रीकल्चर की फैकल्टी नहीं है और एग्रीकल्चर की फैकल्टी की कमी है। तो बच्चों घबराना मत, जब तक हम हैं तब तक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूछते रहिए, आपको हम जानकारी देते रहेंगे, ठीक है? तो ये प्रश्न आपने पूछा था इसका मैंने आपको आंसर दे दिया है। तो अभी हम अगले टॉपिक और चलते हैं, ठीक है? उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बेटा।